खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज की बायोग्राफी है उस इंसान के जीवन पर जिसका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिसके लिए सत्य उसका भगवान और अहिंसा उन्हें पाने की राह था, जिन्होंने देश के लिए सुविधाओं को ठुकरा दिया, विदेशी वस्त्र छोड़कर खुद खादी बनाया, जिन्होंने सत्याग्रह का राग सुनाया, देश का वह अनमोल रतन महात्मा गांधी कहलाया। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर उस महात्मा को याद करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी है। गांधी जी ने अपनी आरंभिक पढ़ाई पोरबंदर के एक छोटे से स्कूल में पूरी की। 11 साल की उम्र में उन्होंने राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिला लिया। गांधी जी एकेडमिक और स्पोर्ट्स में उतने अच्छे नहीं थे, इतना शायद आप सोच रहे होंगे। हालांकि इंग्लिश में वो बहुत अच्छे थे, गणित में ठीक ठीक थे और ज्योग्राफी में थोड़े कमजोर थे, पर व्यवहार में बहुत अच्छे थे। उनके सभी टीचर्स की बस एक ही शिकायत थी कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी, उनकी लिखाई समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। 1882 में गांधी जी का विवाह 13 साल की उम्र में ही 14 साल की कस्तूरबाई से हुआ। आप जानते होंगे कि गांधी जी के 4 बेटे थे, पर शायद ही आपको पता होगा कि असली में उनके 5 बेटे थे। उनका पहला बेटा, जिनकी डेथ हो गई थी, और यही कारण था कि गांधी जी बाल विवाह के विरुद्ध हुए। गांधी जी बहुत ही शर्मीले थे, वे स्कूल की छुट्टी होते ही सीधा घर की तरफ जाते थे ताकि उन्हें किसी से बात न करनी पड़े। आप जानते होंगे कि गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, पर क्या आप जानते हैं कि यह राम नाम किसने उन्हें सिखाया? जैसा कि मैंने बताया, गांधी जी बड़े ही शर्मीले थे और बहुत जल्दी घबरा भी जाते थे। वे अंधेरे से इतना डरते थे कि लाइट ऑन करके सोया करते। तब उनके एक नौकर ने उन्हें सलाह दी कि जब भी आपको डर लगे तब आप भगवान राम का नाम ले लेना, और गांधी जी ने ऐसा ही किया और अपने डर पर जीत पाली। गांधी जी शर्मीले थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई रूल न तोड़ा हो, कभी कोई नियम न तोड़ा हो। उन्होंने भी कई रूल्स तोड़े, और फिर हम सब जानते हैं कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं सकते। अपनी गलतियों से जो शिक्षा ले वही आगे चलकर कुछ बन सकता है, और उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं बल्कि उनसे सीख ली, उनके लिए क्षमा मांगी और कभी न दोहराने की कसम खाई। यह भी एक कारण था जिससे कि वह आगे चलकर इतने महान नेता बन सके। वैसे तो दोस्तों, गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर क्योंकि परिवार में चीरफाड़ यानी कि सर्जरी के खिलाफ था, तो उन्होंने वकालत की तरफ अपना रुख किया। साल 1988 में 18 साल की उम्र में वे वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन से वकालत की पढ़ाई करके जब वे 1891 में भारत लौटे तो उन्हें ज्यादा कोई काम नहीं मिला, इसलिए वह अप्रैल 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए, जहां उनका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वहां पहुंचकर भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को देखकर वह हैरान रह गए। 7 जून 1993 यह वह तारीख है जब वह साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया जा रहे थे, तब उन्हें फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट से टिकट होने के बावजूद जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, और इसकी वजह थी कि एक ब्रिटिशर को उनके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में होने से एतराज था। उस दिन गांधी जी ने रंग पर हो रहे इस भेदभाव को जड़ से उखाड़ने की ठानी और समान अधिकार के लिए लड़ाई का बिगुल बजाया। अगले वर्ष 1894 में इस भेदभाव से लड़ने के लिए उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, आप सभी को पता है गांधी जी शांति प्रिय थे, पर हैरत की बात है कि उन्हें कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। हालांकि उन्हें इसके लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया। साल 1948 में, इससे पहले कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल पाता, उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें जीते जी ये सम्मान ना दे पाने के कारण उस वर्ष नोबेल कमेटी ने अफसोस जताते हुए यह कहा कि इस वर्ष इस सम्मान का असली हकदार नहीं रहा, और इसीलिए यह अवार्ड उस वर्ष किसी को नहीं दिया गया। साल 1930 में महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया।
वे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सेंचुरी के रनर अप बने। उनकी ऑटोबायोग्राफी को 20वीं सदी की 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल बुक्स में से एक माना गया। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि गांधी जी ने भारत को आजाद कराने में कितनी अहम भूमिका निभाई। अहिंसा की राह पर चलकर उन्होंने भारत देश को आजाद कराया। आज गांधी जी के जन्म दिवस पर हम उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और आप सभी देशवासियों को भी गांधी जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों यह थी कहानी इस इंसान के जीवन की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह इंसान जो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है पर अपनी छाप कईयों के दिलों में छोड़ गए। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।